वेलकम टू सुपर कार इंडिया। स्वागत है आप सभी का कार और बाइक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। देश की बड़ी टू व्हीलर कंपनी टीवीएस मोटर अब अपने प्रीमियम सेगमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए नए लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी नई बाइक टीवीएस जेपलिन को दमदार इंजन और हाईटेक फीचर के साथ ला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये टीवीएस मोटर्स की तरफ से पेश की जाने वाली पहली क्रूजर बाइक होगी। कंपनी ने नई जेपलिन 220 में लो हाइट सीट, फॉरवर्ड फुटरेस्ट, छोटे रिम साइज का प्रयोग किया है, जो कि इसे परफेक्ट क्रूजर डिजाइन प्रदान करता है। बाजार में यह बाइक सीधे तौर पर बजाज एवेंजर और जावा क्लासिक जैसे बाइक को टक्कर देगी। यह क्रूजर बाइक दिखने में जितनी पावरफुल है उतनी ज्यादा हाईटेक भी है। यह कंपनी की पहली ऐसी बाइक है जिसमें 220 सीसी के पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है। इस बाइक में 1200 वोल्ट की रीजनरेटिव असिस्ट मोटर दी है, जो 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है। ये इतनी पावरफुल है कि 20% तक ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। हालांकि इसका इंजन कितने पावर और कितना टॉर्क जनरेट करेगा इस बारे में कंपनी ने अभी कुछ भी नहीं बताया है। स्टाइलिश लुक और फ्यूचर की बात करें तो जेपलिन के डिजाइन की बात करें तो इसमें रोबोट के फेस के जैसी एलईडी लैंप दी गई है। ये फ्लैट और काफी चौड़ी है। इसमें हेलोजन की तरह दिखने वाली लाइट लगी हुई है। बाइक में दमदार अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। कंपनी ने इस बाइक में बायो नाम का स्मार्ट एक्सेस स्विच भी दिया गया है। हालांकि यह काम कैसे करेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बाइक में एक्शन कैमरा, क्लाउड कनेक्टिविटी वाला इंफोटेनमेंट मीटर और कंट्रोल करने के लिए ABS भी दिया गया है। इसके अलावा जेपलिन में एक फ्लैट और चौड़ा हैंडल बार, एक एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दो सीट, फुट पेज, स्विच गियर, अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर और एक बेल्ट ड्राइव दी गई है। इसके अलावा दूसरे खास फीचर की बात करें तो इसमें एक स्मार्ट एक्सेस बटन है जिसे टीवीएस ने बायो की नाम दिया है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया। निश्चित तौर पर बाजार में आने वाले वेरिएंट में कॉन्सेप्ट मॉडल वाले सभी फीचर नहीं होंगे। हालांकि अधिकतर नए फीचर के बिना भी बाइक की डिजाइन, इंजन और साइकिल पार्ट्स इसे बेहद आकर्षक विकल्प बनाते हैं। यह बाइक खास तौर पर किफायती और एंट्री लेवल क्रूजर की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए है। अब बात करते हैं कितनी होगी कीमत। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक इसकी कीमत 1,20,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं कुछ का कहना है कि यह 2,00,000 से 3,00,000 तक हो सकती है। अगर इसकी कीमत 1.2 लाख के करीब होती है तो ये बजाज एवेंजर, सुजुकी इंट्रूडर को कंपटीशन दे सकती है। तो दोस्तों ये थी टीवीएस की तरफ से आने वाली अपकमिंग बाइक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल सुपर कार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।